मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के इस पावन पर्व की सभी देशवासियों को बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे मां भारती के लाखों बेटे बेटियों, उनका त्याग, उनका बलिदान और मां भारती को आजाद कराने के संकल्प के प्रति उनका समर्पण, आज ऐसे सभी हमारे स्वतंत्र सेनानियों का, आजादी के वीरों का, नर बांकुरों का, वीर शहीदों का नमन करने का ये पर्व है। हमारे फौज के जांबाज जवान, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारे पुलिस के जवान, सुरक्षा बल से जुड़े हुए हर कोई मां भारती के रक्षा में जुटे रहते हैं, सामान्य मानवीय की सुरक्षा में जुटे रहते हैं। आज उन सबको भी हृदयपूर्वक, आदरपूर्वक स्मरण करने का, उनके महान त्याग तपस्या को नमन करने का पर्व है। एक नाम और, श्री अरविंद घोष, क्रांति दूत से लेकर आध्यात्म की यात्रा, आज उनके संकल्प, उनका जन्म जयंती है। हमें उनके संकल्पों को, हमारे संकल्पों को पूर्ण करने के उनकी तरफ से आशीर्वाद बने रहे हैं। हम एक विशिष्ट परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आज छोटे छोटे बालक मेरे सामने नजर नहीं आ रहे। भारत का उज्जवल भविष्य क्यों? कोरोना ने सबको रोका हुआ है। इस कोरोना के कालखंड में लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, किस किस के नाम गिनाऊंगा, उन लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्म इस मंत्र को जी करके दिखाया है, पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा की है, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को भी मैं आज नमन करता हूं। इस कोरोना के कालखंड में अनेक हमारे भाई बहन इस कोरोना के संकट में प्रभावित हुए हैं, कई परिवार प्रभावित हुए हैं, कईयों ने अपनी जान भी गंवाई है। मैं ऐसे सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रकट करता हूं और इस कोरोना के खिलाफ मुझे विश्वास है 130 करोड़ देशवासियों की अदम्य इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति हमें उसमें भी विजय दिलाएगी और हम विजयी होके रहेंगे। मुझे विश्वास है कि पिछले दिनों भी हम एक प्रकार से अनेक संकटों से गुजर रहे, बाढ़ का प्रकोप खास करके नॉर्थ ईस्ट, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत के कुछ इलाके, कहीं लैंडस्लाइड, अनेक दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा है, अनेक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मैं उन परिवारों के प्रति भी मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं और राज्य सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के
ऐसी संकट की घड़ी में हमेशा देश एक बनकर के, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हम मिलकर के तत्काल जितनी भी मदद पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं सफलतापूर्वक कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी का पर्व हमारे लिए, ये स्वतंत्रता का पर्व आजादी के वीरों को याद कर करके नए संकल्पों की ऊर्जा का एक अवसर होता है। एक प्रकार से हमारे लिए ये नई प्रेरणा लेकर के आता है, नया उमंग, नया उत्साह लेकर के आता है। और इस बार तो हमारे लिए संकल्प करना बहुत आवश्यक भी है और बहुत शुभ अवसर भी है, क्योंकि अगला जब हम आजादी का पर्व मनाएंगे तब हम 75 वर्ष में प्रवेश करेंगे। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए आज आने वाले 2 साल के लिए बहुत बड़े संकल्प लेकर के हमें चलना है। 130 करोड़ देशवासियों को चलना है। आजादी के 75 वर्ष में जब प्रवेश करेंगे और आजादी के 75 वर्ष जब पूर्ण होंगे, हम हमारे संकल्पों की पूर्ति का एक महापर्व के रूप में उसको भी मनाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पूर्वजों ने अखंड एक निष्ठ तपस्या करके त्याग और बलिदान की उच्च भावनाओं को प्रस्थापित करते हुए हमें जिस प्रकार से आजादी दिलाई है, उन्होंने न्योछावर कर दिया है। लेकिन हम ये बात न भूले कि गुलामी के इतने लंबे कालखंड में कोई भी पल ऐसा नहीं था, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था कि जब आजादी की ललक न उठी हो, आजादी की इच्छा को लेकर के किसी ने प्रयास न किया हो, जंग न किया हो, त्याग न किया हो, और एक प्रकार से जवानी जेलों में खपा दी, जीवन के सारे सपनों को फांसी के फंदों को चूम करके आहूत कर दिया। ऐसे वीरों को नमन करते हुए और फिर एक तरफ सशस्त्र क्रांति का दौर, दूसरी तरफ जन आंदोलन का दौर, पूज्य बापू के नेतृत्व में राष्ट्र जागरण के साथ जन आंदोलन की एक धारा ने आजादी के आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी और हम आजादी के पर्व को आज मना पा रहे हैं। इस आजादी के जंग में भारत की आत्मा को कुचलने के भी निरंतर प्रयास हुए हैं, अनगिनत प्रयास हुए हैं। भारत को अपनी संस्कृति, परंपरा, रीत रिवाज, इन सब से उखाड़ फेंकने के लिए क्या कुछ नहीं हुआ। वो कालखंड था, सैकड़ों सालों का कालखंड था, शाम दाम दंड भेद सब कुछ अपने चरम पर था। और कुछ लोग तो ये मान के चलते थे कि हम तो यावत चंद्र दिवा करो यहां पर राज करने के लिए आए हैं। लेकिन आजादी की ललक ने उनके सारे मंसूबों को जमीन दोस्त कर दिया। उनकी सोच थी कि इतना बड़ा विशाल देश, अनेक राजे रजवाड़े, भांति भांति की बोलियां, पहनवेश, खान पान, अनेक भाषाएं, इतनी विविधताओं के कारण बिखरा हुआ देश कभी एक होकर के आजादी का जंग लड़ नहीं सकता है। लेकिन इस देश की प्राण शक्ति वो पहचान नहीं पाए। अंतर्भूत जो प्राण शक्ति है, एकता का सूत्र जो हमें सबको बांध करके रखा हुआ है, उसने आजादी के उस पर्व में पूरी ताकत के साथ जब वो मैदान में आया तो देश आजादी के जंग में विजयी हुआ। हम ये भी जानते हैं कि वो कालखंड था,
विस्तारवाद की सोच वालों ने दुनिया में जहां भी फैल सकते के फैलने का प्रयास किया, अपने झंडे गाड़ने की कोशिश की, लेकिन भारत का आजादी का आंदोलन दुनिया के अंदर भी एक प्रेरणा का कुंज बन गया, दिव्य स्तंभ बन गया और दुनिया में भी आजादी की ललक जगी। और जो लोग विस्तारवाद के अंधी दौड़ में लगे हुए थे, अपने झंडे गाड़ने में लगे थे, उन्होंने अपने इस मंसूबों को, विस्तारवाद के मंसूबों को पार करने के लिए दुनिया को दो दो महाविश्व युद्ध में झोंक दिया, मानवता को तहस नहस कर दिया, जिंदगी तबाह कर दी, दुनिया को तबाह कर दिया। लेकिन ऐसे कालखंड में भी, युद्ध की विभीषिका के बीच भी, भारत ने अपनी आजादी की ललक को नहीं छोड़ा, न कमी आने दी न नमी आने दी। देश बलिदान करने की जरूरत पड़ी बलिदान देता रहा, कष्ट झेलने की जरूरत पड़ी कष्ट झेलता रहा, जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत पड़ी जन आंदोलन खड़ा करता रहा। और भारत की ये लड़ाई ने दुनिया में आजादी के लिए एक माहौल बना दिया और भारत की एक शक्ति ने दुनिया में जो बदलाव लाया, विस्तारवाद के लिए चुनौती बन गया भारत, इतिहास इस बात को कभी नकार नहीं सकता है। इतिहास इस बात को नहीं। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी की लड़ाई में पूरे विश्व में भारत ने अपनी एकजुटता की ताकत, अपनी सामूहिकता की ताकत, अपने उज्जवल भविष्य के प्रति अपना संकल्प, समर्पण और प्रेरणा, उस ऊर्जा को लेकर के देश आगे बढ़ता चला गया। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना वैश्विक महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया, संकल्प आत्मनिर्भर बनने का, और आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। हम जानते हैं, जब मैं आत्मनिर्भर की बात करता हूं, हम में से जो भी 25-30 साल की उम्र से ऊपर होंगे, उन सबने अपने परिवार में अपने माता पिता या अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि भाई बेटे बेटी, अब 20 साल 21 साल के हो गए हो, अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, 20-21 साल में भी परिवार संतानों से अपने पैरों पर खड़े होने की अपेक्षा करता है। हम तो आजादी के 75 वर्ष के एक कदम दूर है, तब हमारे लिए भी भारत जैसे देश को अपने पैरों पर खड़ा होना अनिवार्य है, आत्मनिर्भर बनना अनिवार्य है। जो परिवार के लिए आवश्यक है वो देश के लिए भी आवश्यक है, और इसलिए, और मुझे विश्वास है, भारत इस सपने को चरितार्थ करके रहेगा। और उसका कारण, मेरे देश के नागरिकों के सामर्थ्य पर मुझे यकीन है, मुझे मेरे देश की प्रतिभा पर गर्व है, मुझे देश के युवाओं में, देश की मातृशक्ति में, हमारी महिलाओं में अप्रतिम सामर्थ्य जो है उस पर मेरा भरोसा है, मेरा हिंदुस्तान की सोच, हिंदुस्तान का अप्रोच, इस पर विश्वास है। और इतिहास गवाह है कि भारत एक बार ठान लेता है तो भारत करके रहता है। और इसी के कारण जब हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो दुनिया को भी उत्सुकता भी है, भारत से अपेक्षा भी है, और इसलिए हमें
उस अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए अपने आप को योग्य बनाना बहुत आवश्यक है। हमें अपने आप को तैयार करना बहुत आवश्यक है। भारत के चिंतन में भारत जैसे विशाल देश, भारत युवा शक्ति से भरा हुआ देश, आत्मनिर्भर भारत की पहली शर्त होती है आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत। उसकी यही नींव होती है और यही विकास को नई गति, नई ऊर्जा देने का सामर्थ्य रहती है। भारत विश्व एक परिवार के संस्कारों से पला बड़ा हुआ है। अगर वेद कहते थे वसुधैव कुटुंबकम, तो विनोबा जी कहते थे जय जगत। और इसलिए हमारे लिए विश्व एक परिवार है और इसलिए आर्थिक विकास भी हो लेकिन साथ साथ मानव और मानवता का भी केंद्र स्थान होना चाहिए, इसका महत्व होना चाहिए, उसी को लेकर के हम चलते हैं। आज दुनिया इंटरकनेक्टेड है, आज दुनिया इंटरडिपेंडेंट है और इसलिए समय की मांग है कि विश्व अर्थव्यवस्था में भारत जैसे विशाल देश का योगदान बढ़ना चाहिए। विश्व कल्याण के लिए भी ये भारत का कर्तव्य है और भारत को अपना योगदान बढ़ाना है तो भारत को स्वयं को सशक्त होना होगा, भारत को आत्मनिर्भर होना होगा। हमें जग कल्याण के लिए भी अपने आप को सामर्थ्यवान बनाना ही पड़ेगा और जब हमारी जड़ें मजबूत होगी, हमारा अपना सामर्थ्य होगा, तो हम दुनिया का भी कल्याण करने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। हमारे देश में अथाह प्राकृतिक संपदा है, क्या कुछ नहीं है। आज समय की मांग है कि हमारे इन प्राकृतिक संसाधनों में हम वैल्यू एडिशन करें, हम हमारे मानव संपदा में मूल्य वृद्धि करें, नई ऊंचाइयों पर ले जाएं और हम देश में कब तक कच्चा माल विदेश भेजते रहेंगे, रॉ मटेरियल कब तक दुनिया में भेजते रहेंगे। और देखिए तो रॉ मटेरियल दुनिया में भेजना और फिनिश गुड को दुनिया से वापस लाना, ये खेल कब तक चलेगा। और इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, हमारी हर शक्ति पर वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार मूल्य वृद्धि करना है, ये हमारा दायित्व है। ये वैल्यू एडिशन करने की दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम विश्व में योगदान करने के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। विश्व में हम कुछ न कुछ उसी प्रकार से कृषि क्षेत्र, एक समय था जब हम बाहर से गेहूं मंगवा करके अपना पेट भरते थे, लेकिन हमारे देश के किसानों ने वो कमाल करके दिखा दिया। आत्मनिर्भर भारत आज कृषि क्षेत्र में बना है। आज भारत के किसान भारत के नागरिकों का एक पेट भरते इतना नहीं है। आज भारत वो स्थिति में है कि दुनिया में जिसकी जरूरत है उसको भी हम अन्न दे सकते हैं। अगर ये हमारी शक्ति है, आत्मनिर्भर की ये ताकत है, तो हमारे कृषि क्षेत्र में भी मूल्य वृद्धि आवश्यक है। वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार हमारे कृषि जगत में बदलाव की आवश्यकता है। विश्व की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमने हमारे कृषि जगत को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज देश अनेक नए कदम उठा रहा है और इसलिए अब आप देखिए स्पेस सेक्टर में हमने खुला कर दिया, देश के युवाओं को अवसर मिला है। हमने कृषि क्षेत्र को कानूनों से मुक्त कर दिया, बंधनों से मुक्त कर दिया, हमने आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया हुआ है। जब भारत स्पेस सेक्टर में पावर ताकतवर बनता है तो पड़ोसियों को जरूर उसका लाभ होता है। जब आप ऊर्जा के क्षेत्र में पावरफुल होते हैं तो जो देश अपना अंधेरा मिटाना चाहता है भारत उसमें मदद कर सकता है। देश के जब हेल्थ सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर आत्मनिर्भर हो जाता है तो विश्व के अनेक देशों को टूरिज्म के रूप में, हेल्थ डेस्टिनेशन के रूप में भारत
उनकी पसंदीदा बन सकता है। और इसलिए हमें आवश्यक है कि हम भारत में बने सामान की पूरी दुनिया में वाहवाही कैसी हो। और एक जमाना था हमारे देश में जो चीजें बनती थी, हमारे स्किल मैन पावर के द्वारा जो काम होता था, उसकी दुनिया में बहुत वाहवाह होती थी, इतिहास गवाह है। हमें जब आत्मनिर्भर की बात करते हैं तब सिर्फ इंपोर्ट कम करना इतना ही हमारी सोच नहीं है। जब आत्मनिर्भर की बात करते हैं तब हमारी ये जो कौशल्य है, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स का सामर्थ्य है, जब चीजें बाहर से आने लगती हैं तो उसका वो सामर्थ्य खत्म होता चला जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो नष्ट हो जाता है। हमें हमारे उस सामर्थ्य को बचाना भी है, बढ़ाना भी है, कौशल्य को बढ़ाना है, क्रिएटिविटी को बढ़ाना है और उसको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। हमें स्किल डेवलपमेंट की दिशा में बल देना है। आत्मनिर्भर भारत के लिए, हमारे सामर्थ्यों को बढ़ाने के लिए, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं जानता हूं जब मैं आत्मनिर्भर की बात करता हूं तब अनेक आशंकाएं प्रकट भी की जाती हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि आत्मनिर्भर भारत के लिए लाखों चुनौतियां हैं और जब विश्व स्पर्धा के मोड़ में हो तब तो चुनौतियां बढ़ भी जाती हैं। लेकिन देश के सामने अगर लाखों चुनौतियां हैं तो देश के पास करोड़ों समाधान देने वाले शक्ति भी है, मेरे देशवासी भी हैं जो समाधान का सामर्थ्य देते हैं। अब देखिए कोरोना के संकट काल में हमने देखा कि बहुत सी चीजों के लिए हम कठिनाइयों में हैं, हमें दुनिया से लाना है, दुनिया दे नहीं पा रही थी। हमारे देश के नौजवानों ने, हमारे देश के उद्यमियों ने, हमारे देश के उद्योग जगत के लोगों ने बीड़ा उठा लिया। जिस देश में N95 नहीं बनता था बनने लगे, PPE नहीं बनता था बनने लग गए, वेंटिलेटर नहीं बनता था बनने लग गए। देश की आवश्यकता उसकी तो पूर्ति हुई लेकिन दुनिया में एक्सपोर्ट करने की हमारी ताकत बन गई। दुनिया की जरूरत थी, आत्मनिर्भर भारत दुनिया को कैसे मदद कर सकता है, आज हम इसमें हम देख सकते हैं। और इसलिए विश्व की भलाई में भी भारत का योगदान करना यह दायित्व बनता है और उसलिए भी हमें उसी प्रकार से बहुत हो चुका है। आजाद भारत की मानसिकता क्या होनी चाहिए? आजाद भारत की मानसिकता होनी चाहिए वोकल फॉर लोकल। हमारे जो स्थानीय उत्पाद है उसका हमने गौरवगान करना चाहिए। हम अपनी चीजों का गौरवगान नहीं करेंगे तो उसको अच्छा बनने का अवसर भी नहीं मिलेगा, उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। आइए हम मिलकर के संकल्प लें, आजादी के 75 साल के पर्व की ओर जब कदम रख रहे हैं तब वोकल फॉर लोकल का जीवन मंत्र बन जाए और हम मिलकर के भारत की उस ताकत को हम बढ़ावा दे दें। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कैसी कैसी कमाल करता है, कैसे कैसे आगे बढ़ता है, इस बात को हम भरी भांति समझ सकते हैं। कौन सोच सकता था कि कभी गरीबों के जनधन खाते में लाखों करोड़ों रुपये सीधे ट्रांसफर हो जाएंगे? कौन सोच सकता था कि किसानों की भलाई के लिए APMC जैसा एक्ट में इतने बदलाव हो जाएंगे? कौन सोचता था हमारे व्यापारी आलम पे जो लटकती तलवार थी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, इतने सालों के बाद वो भी बदल जाएगा? कौन सोचता था कि हमारा स्पेस सेक्टर हमारे देश के युवाओं के लिए खुला कर दिया जाएगा? आज हम देख रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, वन नेशन वन रेशन कार्ड की बात हो, वन नेशन वन ग्रिड की बात हो, वन नेशन वन टैक्स की बात हो, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड उसकी बात हो, चाहे बैंकों को मर्जर करने का प्रयास हो, देश की सच्चाई बन चुकी है, देश की हकीकत है। भारत में परिवर्तन के इस कालखंड में रिफॉर्म्स के परिणामों को दुनिया देख रही है।
एक के बाद एक एक दूसरे से जुड़े हुए हम जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं उसको दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है और उसी का कारण है बीते वर्ष भारत में एफडीआई में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीते वर्ष भारत में एफडीआई में 18% की वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है और इसलिए कोरोना काल में भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की ओर रुख ले रही हैं। ये विश्वास ऐसे ही पैदा नहीं हुआ है, ऐसे ही दुनिया मोहित नहीं हुई है। इसके लिए भारत ने अपनी नीतियों पर, भारत ने अपने लोकतंत्र पर, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की बुनियाद की मजबूती पर जो काम किए हैं उसने ये विश्वास जगाया है। दुनिया भर के अनेक बिजनेस भारत को सप्लाई चेन के केंद्र के रूप में आज देख रहे हैं। अब हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड ये मंत्र को लेकर के भी हमें आगे बढ़ना है। 130 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य जब एक ही समय में, जरा याद कीजिए पिछले कुछ दिन, और 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य के लिए गर्व कीजिए। कोरोना के इस महाकालखंड में एक तरफ चक्रवात, पूरब में भी चक्रवात, पश्चिम में भी चक्रवात, बिजली गिरने से अनेक लोगों की मौत की खबरें, कहीं पर बार बार भूस्खलन की घटनाएं, छोटे मोटे भूकंप के झटके, इतना कम था तो हमारे किसानों के लिए टिड्डी दल की आपत्तियां आई, न जाने एक साथ एक के बाद एक मुसीबतों का अंबार लग गया। लेकिन उसके बावजूद भी देश जरा भी अपना विश्वास नहीं खोया, देश आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता जाया गया। देशवासियों के जीवन को, देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना के प्रभाव से जल्दी बाहर निकालना आज हमारी प्राथमिकता है। इसमें हम भूमिका रहेगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट की। इस पर 110 लाख करोड़ उससे भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसके लिए अलग अलग सेक्टर्स में लगभग 7000 प्रोजेक्ट्स की पहचान कर ली गई है। इससे देश के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई दिशा भी मिलेगी, एक नई गति भी मिलेगी। और इससे हमेशा कहा जाता है ऐसे संकट की घड़ी में जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बल दिया जाए ताकि आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, लोगों को रोजगार मिलता है, काम मिलता है, उसके जुड़े हुए कई काम एक साथ चल जाते हैं, छोटे बड़े उद्योग, किसान, हर मध्यम वर्ग को इसका बहुत लाभ होता है। और आज मैं एक बात स्मरण करना चाहता हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज की एक बहुत बड़ी दूरगामी असर पैदा करने वाली योजना को प्रारंभ किया था और देश के रोड नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को नेक्स्ट जनरेशन पर ले गए थे। आज भी वो स्वर्णिम चतुर्भुज की तरफ देश बड़े गर्व से देख रहा है, हां हमारा हिंदुस्तान बदल रहा है, देख रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, अटल जी ने अपने समय में एक काम किया लेकिन अब हमें उसे आगे ले जाना है, हमें नई और ले जाना है। और अब हम साइलोज में नहीं चल सकते, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को रोड का रोड वाला काम करेगा, रेल का रेल में चला जाएगा, न रेल का रोड से दमन, न रोड का रेल से दमन, न एयरपोर्ट का पोर्ट से दमन, न पोर्ट का एयरपोर्ट से दमन, न रेल से रेलवे स्टेशन का बस से दमन, बस स्टेशन से दमन, न बस स्टेशन का रेलवे, ऐसी स्थिति नहीं चले। अब हमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक कॉम्प्रिहेंसिव हो, इंटीग्रेटेड हो, एक दूसरे के पूरक हो, रेल से रोड पूरक हो, रोड से सी पोर्ट पूरक हो, सी पोर्ट से पोर्ट पूरक हो,
ये हमें एक नए सदी के लिए हमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर इसको जोड़ने के लिए हम अब आगे बढ़ रहे हैं और ये एक नया आयाम होगा। बहुत बड़ा सपना लेकर के इस पर काम शुरू किया है और मुझे विश्वास है ये साइलोस को खत्म करके हमारे इस सारी व्यवस्था को एक नई ताकत देंगे। इसके साथ साथ हमारे समुद्री तट, विश्व व्यापार में समुद्री तटों का अपना बहुत महत्व होता है। जब हम पोर्ट लेड डेवलपमेंट को लेकर के चले हैं तब हम आने वाले दिनों में समुद्री तट के पूरे हिस्से में 4-लेन रोड बनाने की दिशा में एक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम काम करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे यहां शास्त्रों में एक बहुत बड़ी बात और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, सामर्थ्य मूलम स्वातंत्रम, सामर्थ्य मूलम स्वातंत्रम, श्रम मूलम च वैभवम, श्रम मूलम च वैभवम। यानी किसी समाज की, किसी भी राष्ट्र की आजादी का स्रोत उसका सामर्थ्य होता है और उसके वैभव, उन्नति, प्रगति का स्रोत उसकी श्रम शक्ति है। और इसलिए सामान्य नागरिक, शहर हो या गांव, उसकी मेहनत का कोई मुकाबला नहीं है। मेहनत का समाज को जब सुविधाएं मिलती है, जीवन का संघर्ष, रोजमर्रा की मुसीबतें कम होती है, तो उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति बहुत खिल उठती है, बड़े कमाल करके देती है। बीते 6 वर्षों में देश के मेहनतकश नागरिकों का जीवन बेहतर बनाने के लिए अनेक विविध कामों का सिलसिला चलाया गया है, अनेक अभियान चलाए गए हैं। आप देखिए, बैंक खाता हो, पक्के घर की बात हो, इतनी बड़ी मात्रा में शौचालय बनाने हो, हर घर में बिजली कनेक्शन पहुंचाना हो, माताओं बहनों को धुएं से मुक्त करने के लिए गैस का कनेक्शन देना हो, गरीब से गरीब को बीमा सुरक्षा देने का प्रयास हो, 5 लाख रुपए तक अच्छे से अच्छे अस्पताल में मुफ्त इलाज कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना हो, राशन की दुकानों को टेक्नोलॉजी जोड़ने की बात हो, हर गरीब, हर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ उसको लाभ पहुंचाने में पिछले 6 साल ने बहुत अच्छी तरह प्रगति की है। कोरोना के संकट में भी इन व्यवस्थाओं में बहुत मदद मिली है। इस दौरान करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर पहुंचना, राशन कार्ड हो या न हो, 80 करोड़ से ज्यादा मेरे देशवासियों को उनके घर का चूल्हा जलता रहे, 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में अनाज पहुंचाने का काम हो, 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हो, कुछ वर्ष पहले तो सोच भी नहीं सकते थे, कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि दिल्ली 1 रुपया से 1 रुपया निकले और 100 के 100 पैसे गरीब के खाते में जमा हो जाएं, ये पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता है। अपने ही गांव में रोजगार के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया है। श्रमिक साथी खुद को रिस्किल करें, अपस्किल करें, इस पर विश्वास करते हुए, श्रम शक्ति पे भरोसा करते हुए, गांव के संसाधनों पर भरोसा करते हुए, हम वोकल फॉर लोकल को बल देते हुए, रीस्किल अपस्किल के द्वारा हम हमारे देश की श्रम शक्ति को, हमारे गरीबों को एम्पावर करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। शहर में हमारे जो श्रमिक हैं, क्योंकि आर्थिक गतिविधि का केंद्र शहर है, गांव से लोग दूर दूर से शहरों में आते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हो, रेडी पटरी वाले लोग हो, आज बैंकों से उनको सीधा पैसा देने की योजना चल रही है,
लाखों लोगों ने इतने कम समय में कोरोना के कालखंड में इसका फायदा उठाया है। अब उनको कहीं से ज्यादा ब्याज से खानगी स्तर पर पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैंक से वो अधिकार से अपने पैसे ले पाएगा। उसी प्रकार से जब शहर में हमारे श्रमिक आते हैं, उनको रहने की अगर अच्छी सुविधा मिल जाए तो उनकी कार्य क्षमता में भी बहुत बढ़ोतरी होती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए शहर के अंदर उनके लिए हमने आवास की व्यवस्था की एक बहुत बड़ी योजना बनाई है, ताकि शहर के अंदर जब श्रमिक आएगा तो वो अपने काम के लिए मुक्त मन से पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ पड़ेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, ये भी सही है कि विकास की इस यात्रा में भी हमने देखा है, जैसे समाज जीवन में कुछ तबके पीछे रह जाते हैं, गरीबी से बाहर निकल नहीं पाते, वैसे राष्ट्र जीवन में भी कुछ क्षेत्र होते हैं, कुछ भूभाग होते हैं, कुछ इलाके होते हैं जो पीछे रह जाते हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे लिए संतुलित विकास बहुत आवश्यक है, और हमने 110 से ज्यादा आकांक्षी जिले आइडेंटिफाई किए हैं। उन 110 जिले जो एवरेज से भी पीछे हैं, उनको राज्य की और राष्ट्र की एवरेज तक ले आना है, सभी पैरामीटर में लेता है। वहां के लोगों को बेहतर शिक्षा मिले, वहां के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, वहां के लोगों को रोजगार के स्थानीय अवसर पैदा हो, और उसके लिए लगातार हमने इन 110 जिले जो हमारी विकास यात्रा में कहीं पीछे छूट गए हैं उनको आगे ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आत्मनिर्भर भारत की अहम प्राथमिकता आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान, और इसको हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। किसान को पिछले दिनों हमने देखा है, एक के बाद एक रिफॉर्म आजादी के इतने सालों के बाद किए गए हैं। किसान को तमाम बंधनों से मुक्त करना हो वो काम हमने कर दिया है। आप सोच नहीं सकते होंगे, हमारे देश में आप अगर साबुन बनाते हैं हिंदुस्तान के कुछ में कोने में जाके साबुन बेच सकते हैं, आप अगर कपड़ा बनाते हैं हिंदुस्तान के किसी कोने में जाके कपड़ा बेच सकते हैं, आप चीनी बनाए आप चीनी बेच सकते हैं, लेकिन मेरा किसान बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मेरे देश का किसान जो उत्पादन करता था न वो अपनी मर्जी से बेच सकता था, न अपनी मर्जी से जहां बेचना चाहता था वहां बेच सकता था, उसके लिए जो दायरा तय किया था वहीं बेचना पड़ता था। उस सारे बंधनों को हमने खत्म कर दिया है। अब हिंदुस्तान का किसान उस आजादी की सांस को ले पाएगा, ताकि वो हिंदुस्तान के किसी में भी, दुनिया के किसी भी कोने में अपना माल बेचना चाहता है वो अपने टर्म्स पर बेच पाएगा। इस बात को हमने किसान की आय को बढ़ाने के लिए अनेक वैकल्पिक चीजों को भी बल दिया है। उसके किसानी में इनपुट कॉस्ट कैसे कम हो, सोलार पंप उसको डीजल पंप से मुक्ति कैसे दिला दे, अन्नदाता ऊर्जादाता कैसे बने, मधुमक्खी पालन हो, फिशरीज हो, पोल्ट्री हो, ऐसे अनेक चीजें उसके साथ जुड़ जाएं, ताकि उसकी आय दोगुना हो जाए। उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। आज समय की मांग है, हमारा कृषि क्षेत्र आधुनिक बने, मूल्य वृद्धि हो, वैल्यूएडेशन हो, फूड प्रोसेसिंग हो, पैकेजिंग की व्यवस्था हो, उसको संभालने की व्यवस्था हो, और इसलिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। आपने देखा होगा इस कोरोना कालखंड में ही पिछले दिनों 1,00,000 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत की सरकार ने आवंटित किए हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसानों की भलाई के लिए होगा, और इसके कारण किसान अपना मूल्य भी प्राप्त कर सकेगा, दुनिया के बाजार में बेच भी पाएगा, विश्व बाजार में उसकी पहुंच बढ़ेगी। आज हमने ग्रामीण उद्योगों को मजबूत करने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशिष्ट प्रकार से आर्थिक क्लस्टर बनाने जाएंगे, कृषि और गैर कृषि उद्योगों को गांव के अंदर एक जाल बनाई जाएगी, और उसके कारण उसके साथ साथ किसानों के लिए जो नई FPO हमने बनाने का, किसान उत्पादक संघ बनाने का जो हमने कोशिश की है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट का काम करेगा।
भाइयों बहनों, मैंने पिछली बार यहां पर जल जीवन मिशन की घोषणा की थी, आज उसको एक साल हो रहा है। मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि जो हमने सपना लिया है कि पीने का शुद्ध जल, नल से जल हमारे देशवासियों को मिलना चाहिए, स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान भी शुद्ध पीने के जल से जुड़ा हुआ होता है, अर्थव्यवस्था में भी उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, और उसको लेकर के जल जीवन मिशन शुरू किया। आज मुझे संतोष है कि प्रतिदिन हम 1 लाख से ज्यादा घरों में, हर दिन 1 लाख से ज्यादा घरों में जल पहुंचा रहे हैं, पाइप से जल पहुंचा रहे हैं, और पिछले 1 साल में 2 करोड़ परिवारों तक हम जल पहुंचाने में यशस्वी हुए हैं। और विशेष करके जंगलों में दूर दूर रहने वाले हमारे आदिवासियों के घरों तक ये पहुंचाने का काम, बड़ा अभियान चला है। और मुझे खुशी है कि आज जल जीवन मिशन ने देश में एक तंदुरुस्त स्पर्धा का माहौल बनाया है। जिले जिले के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो रही है, नगर नगर के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो रही है, राज्य राज्य के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो रही है। हर किसी को लग रहा है कि प्रधानमंत्री का जल जीवन मिशन का ये जो सपना है उसको हम जल्दी से जल्दी अपने क्षेत्र में पूरा करेंगे। कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को एक नई ताकत इस जल जीवन मिशन के साथ जुड़ गई है, और उसके साथ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, चाहे हमारा कृषि का क्षेत्र हो, चाहे हमारे लघु उद्योगों का क्षेत्र हो, चाहे हमारे नौकरी पेशा करने वाले समाज के लोग हो, ये करीब करीब सभी लोग एक प्रकार से भारत का मध्यम वर्गीय बहुत बड़ा संपूट है, और मध्यम वर्ग से निकले हुए प्रोफेशनल्स आज दुनिया में अपना डंका जमा रहे हैं। मध्यम वर्ग से निकले हुए हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, साइंटिस्ट सबको दुनिया के अंदर अपना नाम डंडा जमा रहे हैं। और इसलिए ये बात सही है कि मध्यम वर्ग को जितने अवसर मिलते हैं वो अनेक गुना ताकत के साथ उभर करके आते हैं, और इसलिए मध्यम वर्ग को सरकारी दखलअंदाजी से मुक्ति चाहिए, मध्यम वर्ग को अनेक विध नए अवसर चाहिए, उसको खुला मैदान होना चाहिए, और हमारी सरकार लगातार मध्यम वर्ग के इन सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। मध्यम वर्ग के मिरेकल करने की ताकत रखता है, ईज ऑफ लिविंग, इसका सबसे बड़ा लाभ किसी को होना है तो मेरे मध्यम वर्गीय परिवारों को होना है। सस्ते इंटरनेट की बात हो, चाहे सस्ते स्मार्टफोन की बात हो, या उड़ान के तहत हवाई जहाज की टिकटें बहुत मिनिमम हो जाने की बात हो, या हमारे हाईवे हो, इंफॉर्मेशन वेज हो, ये सारी चीजें मध्यम वर्ग की ताकत को बढ़ाने वाली है। आज आपने देखा होगा मध्यम वर्ग में जो गरीबी से बाहर निकला है उसका पहला सपना होता है अपना घर होना चाहिए, वो एक बराबरी की जिंदगी जाना चाहता है। देश में बहुत बड़ा काम हमने ईएमआई के क्षेत्र में किया, और उसके कारण होम लोन सस्ते हुए, और जब एक घर के लिए लोन लेता है तो लोन पूरी करते करते करीब 6 लाख रुपया की उसके छूट मिल जाती है। यह इतना ही नहीं, पिछले दिनों ध्यान में आया कि बहुत गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों ने पैसे लगाए हुए हैं लेकिन योजनाएं पूरी न होने के कारण खुद का घर मिल नहीं रहा है, किराया भरना पड़ रहा है। भारत सरकार ने 25,000 करोड़ रुपया का विशेष फंड बना करके ये जो आधे अधूरे घर है उनको पूरा करके मध्यम वर्गीय परिवारों को घर मिल जाए, उसके लिए हमने अब कदम उठाया है। जीएसटी में बहुत तेजी से टैक्सेशन कम हुआ है, इनकम टैक्स कम हुआ है, आज मिनिमम उस प्रकार के व्यवस्थाओं के साथ हम देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कोऑपरेटिव बैंकों को आरबीआई से जोड़ना, ये अपने आप में मध्यम वर्गीय परिवारों के पैसों को सुरक्षित रखने की गारंटी इसके साथ जुड़ी हुई है। एमएसएमई सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, इसका सीधा सीधा लाभ हमारे मध्यम वर्गीय मेहनत कश परिवारों को जाने वाला है, और उसके कारण हजारों करोड़ रुपए के स्पेशल फंड आज जो हमारे व्यापारी बंधुओं को, हमारे लघु उद्योगकारों को हम दे रहे हैं, उनको इसका लाभ मिलने वाला है। आम भारतीय की शक्ति, उसकी ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बहुत बड़ा आधार है। इस ताकत को बनाए रखने के लिए हर स्तर पर
निरंतर काम जारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में, आधुनिक भारत के निर्माण में, नए भारत के निर्माण में, समृद्ध और खुशहाल भारत के निर्माण में देश की शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। इसी सोच के साथ देश को 3 दशक के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देने में हम आज यशस्वी हुए हैं और हिंदुस्तान के हर कोने में इसकी स्वागत के समाचार एक नई ऊर्जा, नए विश्वास दे रहे हैं। ये शिक्षा, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे विद्यार्थियों को जड़ से जोड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसको एक ग्लोबल सिटीजन बनाने का भी पूरा सामर्थ्य देगी। वो जड़ों से जुड़ा होगा, लेकिन उसका सर आसमान की ऊंचाइयों को छूता होगा। आज आपने देखा होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक विशेष बल्ब दिया गया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का, क्योंकि देश को प्रगति करने के लिए इनोवेशन बहुत आवश्यक होता है। इनोवेशन को जितना बल मिलेगा, रिसर्च को जितना बल मिलेगा, उतना ही देश को आगे ले जाने में और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर आगे बढ़ने में बहुत ताकत मिलेगी। आपने सोचा होगा क्या कभी इतना तेजी से गांव तक ऑनलाइन क्लासेस का इतना माहौल बन जाएगा। कभी कभी आफत में भी कुछ ऐसी चीजें उभर करके आ जाती हैं, नई ताकत दे देती हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस एक प्रकार से कल्चर बन गया है। आप देखिए ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजेक्शन वो भी कैसे बढ़ रहे हैं। भीम यूपीआई गत 1 महीने में, यानी किसी को भी गर्व होगा कि भारत जैसे देश में यूपीआई भीम के द्वारा गत 1 महीने में 3 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। ये अपने आप में हम किस प्रकार से बदली हुई स्थितियों को स्वीकार करने लगे हैं, ये इसका नमूना है। आप देखते हैं 2014 से पहले हमारे देश में 5 दर्जन पंचायतें, 5 दर्जन पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर था। गत 5 वर्ष में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंच चुका है, जो आज इतना मदद कर रहा है। सभी पंचायतों में पहुंचने के लक्ष्य के साथ हमने काम शुरू किया था। जो 1 लाख पंचायतें बाकी हैं, वहां भी तेजी से काम चल रहा है, लेकिन बदली पड़ी हुई परिस्थिति में गांव की भी डिजिटल इंडिया में भागीदारी अनिवार्य बन गई है। गांव के लोगों को भी इस प्रकार की ऑनलाइन सुविधाओं की जरूरत बढ़ गई है। इसको ध्यान में रखते हुए पहले जो हमने कार्यक्रम बनाया था, हर पंचायत तक पहले पहुंचेंगे, लेकिन आज मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अब हमने तय किया है कि सभी 6 लाख से ज्यादा जो हमारे गांव है, उन सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। जरूरत बदली है तो हमने प्रायोरिटी भी बदली है। 6 लाख से अधिक गांवों में हजारों लाखों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का काम चलाया जाएगा और हमने तय किया है 1000 दिन में, 1000 दिन के अंदर अंदर देश के 6 लाख से अधिक गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क काम पूरा कर दिया जाएगा। बदलती हुई टेक्नोलॉजी में साइबर स्पेस ये हमारी निर्भरता बढ़ती ही जाने वाली है, लेकिन साइबर स्पेस में खतरे भी जुड़े हुए होते हैं। भली भांति दुनिया इससे परिचित है और इनसे देश के सामाजिक ताने बाने, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे देश के विकास पर भी खतरे पैदा करने का ये आसान मार्ग बन सकता है। और इसलिए भारत इसमें बहुत सचेत है, भारत बहुत सतर्क है और इन खतरों का सामना करने के लिए फैसले ले रहा है।
इतना ही नहीं, नई व्यवस्थाएं भी लगातार विकसित की जा रही है। बहुत ही अल्प समय में नई साइबर सुरक्षा रणनीति, इसका एक पूरा खाका देश के सामने आएगा। आने वाले समय में सब इकाइयों को जोड़ करके हम इस साइबर सिक्योरिटी के अंदर सबको एक साथ चलना पड़ेगा, उसके लिए आगे बढ़ने की रणनीति बनाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत में महिला शक्ति को जब जब भी अवसर मिले उन्होंने देश का नाम रोशन किया, देश को मजबूती दी है। महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार के समान अवसर देने के लिए आज देश प्रतिबद्ध है। आज भारत में महिलाएं अंडरग्राउंड कोयले की खदान में काम कर रही हैं, तो आज मेरे देश की बेटियां फाइटर प्लेन भी उड़ा करके आसमान की बुलंदियों को चूम रही है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां नौसेना और वायुसेना में महिलाओं को कॉम्बैट रोल में शामिल किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं को सैलरी के साथ 6 महीने की छुट्टी देने का फैसले की बात हो, हमारे देश की महिलाएं जो 3 तलाक के कारण पीड़ित रहती थी, वैसी हमारी मुस्लिम बहनों को मुक्ति दिलाने, आजादी दिलाने का काम हो, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो, 40 करोड़ जो जनधन खाते खोले गए हैं उसमें 22 करोड़ खाते हमारी बहनों के हैं, कोरोना काल में करीब 30,000 करोड़ रुपए इन बहनों के खाते में जमा कर दिए गए हैं, मुद्रा लोन 25 करोड़ के करीब मुद्रा लोन दिए गए, उसमें 70% मुद्रा लोन लेने वाली हमारी माताएं बहने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो खुद का घर मिल रहा है उसमें अधिकतम रजिस्ट्री भी महिलाओं के नाम हो रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, गरीब बहन बेटियों के बेहतर स्वास्थ्य की भी चिंता ये सरकार लगातार कर रही है। हमने जन औषधि केंद्र के अंदर 1 रुपये में सैनिटरी पैड पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। 6,000 जन औषधि केंद्रों में पिछले कुछ थोड़े से समय में ही करीब 5 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी पैड हमारी इन गरीब महिलाओं तक पहुंच चुके हैं। बेटियों में कुपोषण खत्म हो, उनकी शादी की सही आयु क्या हो, इसके लिए हमने कमेटियां बना की रचना की है। उसका रिपोर्ट आते ही बेटियों की शादी की उम्र के बारे में भी उचित फैसले लिए जाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, इस कोरोना के सेक्टर में कालखंड में हेल्थ सेक्टर की तरफ ध्यान जाना बहुत स्वाभाविक है, और इसलिए आत्मनिर्भर की सबसे बड़ी सीख हमें हेल्थ सेक्टर ने इस संकट के काल में सिखा दी है, और उस लक्ष्य में प्राप्त करने के लिए हमें आगे भी बढ़ना है। अब देखिए, कोरोना के समय उसके पूर्व हमारे देश में सिर्फ 1 लैब थी टेस्टिंग के लिए, आज 1400 लैब्स का नेटवर्क है, हिंदुस्तान के हर कोने में फैला हुआ है। जब कोरोना का संकट आया तो एक दिन में सिर्फ 300 टेस्ट हो पाते थे, इतने कम समय में हमारे लोगों ने वो शक्ति दिखा दी है कि आज हर दिन 7 लाख से ज्यादा टेस्ट हम कर पाए। कहां 300 से शुरू किया था और कहां हम 7 लाख तक पहुंच गए। देश में नए एम्स, नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण, आधुनिकीकरण की दिशा में निरंतर प्रयास ये हम कर रहे हैं। 5 साल में MBBS MD में 45,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए सीटों की बढ़ोतरी की गई है। गांव में 1.5 लाख से ज्यादा वेलनेस सेंटर, और उसमें से करीब 1/3 तो ऑलरेडी कार्यरत हो गए हैं जिन्होंने इस कोरोना में बहुत बड़ी मदद की है। कोरोना के काल में वेलनेस सेंटर्स की भूमिका ने गांव की बहुत बड़ी मदद की है। हेल्थ सेक्टर में आज से एक बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है, और उसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन
नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो, पैसा जमा करना हो, अस्पताल में पर्ची बनवाने की भागदौड़ हो, तमाम दिक्कतें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से अनेक मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमारा कोई भी नागरिक सही फैसले कर पाएगा, ये व्यवस्था उसे होने वाली है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब भी अब कोरोना की बात आती है तो एक बात स्वाभाविक है, हर किसी के मन में सवाल है, कोरोना की वैक्सीन कब तैयार होगी? ये सवाल हर एक के मन में है, पूरी दुनिया में है। मैं आज देशवासियों को कहना चाहूंगा, देश के हमारे वैज्ञानिक, हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा एक ऋषि मुनि की तरह लेबोरेटरी में जी जान से जुटे हुए हैं, अखंड एक निष्ठ तपस्या कर रहे हैं, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में अलग अलग जगहों पर विकास की तस्वीर अलग अलग है। कुछ क्षेत्र बहुत आगे हैं, कुछ क्षेत्र बहुत पीछे हैं। ये असंतुलन आत्मनिर्भर भारत के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती मैं मान सकता हूं और इसलिए जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, 110 आकांक्षी जिलों पर हम बल दे रहे हैं, उसको विकास की बराबरी लाना चाहते हैं। हम विकास के इकोसिस्टम बनाना, कनेक्टिविटी को सुधारना, ये हमारी प्राथमिकता है। अब आप देखें, हिंदुस्तान का पश्चिमी भाग और हिंदुस्तान को मध्य से देखिए, हिंदुस्तान का पूर्वी भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, नॉर्थ ईस्ट हो, उड़ीसा हो, ये सारे हमारे क्षेत्र अपार संपदा है, प्राकृतिक संपदा के भंडार है। यहाँ के लोग सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है, प्रतिभावान है, लेकिन अवसरों के अभाव में ये क्षेत्र हमारे असंतुलन रहा है और इसलिए हमने अनेक नए कदम उठाए। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, पूर्व में गैस पाइपलाइन से जोड़ने की बात हो, नए रोड रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, वहां नए पोर्ट बनाने हो, यानी एक प्रकार से पूरा डेवलपमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का खाका होना चाहिए, बड़ा होलिस्टिक तरीके से विकसित हम कर रहे हैं ताकि हमारे क्षेत्र भी विकास की दिशा में। उसी प्रकार से लेह लद्दाख, करगिल, जम्मू कश्मीर, एक क्षेत्र, एक प्रकार से इस क्षेत्र को एक वर्ष पूर्व 370 से आजादी मिल चुकी है, एक साल पूरा हो चुका है। ये एक साल जम्मू कश्मीर के एक नई विकास यात्रा का बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये एक साल वहां महिलाओं को, दलितों को मूलभूत अधिकारों को देने वाला कालखंड रहा है।
ये हमारे शरणार्थियों को गरिमापूर्ण जीवन का भी एक साल रहा है। विकास का लाभ गांव और गरीब तक पहुंचाने के लिए बैक टू विलेजेस जैसे विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। आयुष्मान योजना को बेहतरीन तरीके से आज जम्मू कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, लोकतंत्र की मजबूती, लोकतंत्र की सच्ची ताकत हमारी चुनी हुई स्थानीय इकाइयों में है। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय इकाइयों के जनप्रतिनिधि सक्रियता और संवेदनशीलता के साथ विकास के नए युग को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनके वहीं के सभी पंच सरपंचों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं विकास यात्रा में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति के नेतृत्व में डिलिमिटेशन का काम चल रहा है और जल्दी से डिलिमिटेशन का काम पूरा होते ही भविष्य में वहां चुनाव हो, जम्मू कश्मीर के एमएलए हो, जम्मू कश्मीर के मंत्रीगण हो, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रीगण हो, नई ऊर्जा के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ें। इसके लिए देश प्रतिबद्ध भी है और प्रयासरत भी है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना करके बरसों पुरानी जो उनकी मांग थी, उनकी आकांक्षा थी, उस आकांक्षा को हमने पूर्ण करने का, उनको सम्मानित करने का एक बहुत बड़ा काम किया है। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा लद्दाख विकास के नए शिखर की ओर आगे बढ़ रहा है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां पर बन रही है, नए रिसर्च सेंटर बन रहे हैं, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज वहां चल रहे हैं, बिजली के लिए 7,500 मेगावाट के सोलर पार्क के निर्माण की योजना बन रही है। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, लद्दाख की कई विशेषता है, उन विशेषताओं को हमें संभालना भी है, संवारना भी है। और जैसे सिक्किम ने हमारे नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम ने अपनी एक ऑर्गेनिक स्टेट की पहचान बनाई है, वैसे ही लद्दाख ले करगिल ये पूरा क्षेत्र हमारे देश के लिए कार्बन न्यूट्रल इकाई के रूप में उसकी पहचान बना सकता है। और इसके लिए भारत सरकार वहां के नागरिकों के साथ मिलकर के एक नमूना रूप, प्रेरणा रूप कार्बन न्यूट्रल और वो भी विकास का मॉडल, वहां की आवश्यकताओं की पूर्ति वाला मॉडल, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने दिखाया है कि पर्यावरण के साथ संतुलन रखते हुए भी तेज विकास संभव है। आज भारत वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड के विजन के साथ पूरी दुनिया में को खास करके सूर्य ऊर्जा के क्षेत्र में प्रेरित कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन के मामले में आज भारत दुनिया के 5 टॉप देशों में अपनी जगह बना चुका है। प्रदूषण के समाधान को लेकर भारत सजग भी है और भारत सक्रिय भी है। स्वच्छ भारत अभियान हो, धुआं मुक्त रसोई गैस की व्यवस्था हो, एलईडी बल्ब का अभियान हो, सीएनजी आधारित ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए प्रयास हो, हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पेट्रोल से प्रदूषण को कम करने के लिए इथेनॉल उत्पादन उसको बढ़ाने पर और उसके इस्तेमाल पर बल दिया जा रहा है। 5 साल पहले हमारे देश के अंदर इथेनॉल की क्या स्थिति थी? 5 साल पहले हमारे देश में 40 करोड़ लीटर उत्पादन होता था। आज 5 साल में 5 गुना हो गया
और आज 200 करोड़ लीटर इथेनॉल हमारे देश में बन रहा है, जो पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी हो रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के 100 शहरों में, चुने हुए 100 शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए हम एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, एक जन भागीदारी के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर भरपूर करते हुए हम उसे प्रदूषण कम करने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत इस बात को गर्व से कह सकता है, भारत उन बहुत कम देशों में से एक है जहां जंगलों का विस्तार हो रहा है। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। हम लोगों ने सफलतापूर्वक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। हमारे यहां टाइगर की आबादी बढ़ी है। अब आने वाले दिनों में एशियाटिक लायन, प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत हो रही है और उसमें प्रोजेक्ट लायन भारतीय शहरों की रक्षा, सुरक्षा, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेष करके उनके लिए जो आवश्यक होता है स्पेशल प्रकार का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर भी काम किया जाएगा और प्रोजेक्ट लायन पर बल दिया जाएगा। साथ ही एक और काम को भी हम बढ़ावा देना चाहते हैं और वो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया जाएगा। नदियों में, समंदर में रहने वाली दोनों तरह की डॉल्फिन पर हम फोकस करेंगे। इससे बायोडायवर्सिटी को भी बल मिलेगा और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। ये टूरिज्म के आकर्षण का भी केंद्र होता है, तो इस दिशा में भी हम आगे बढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हम एक असाधारण लक्ष्य को लेकर के असाधारण यात्रा पर निकलते हैं तो रास्ते में चुनौतियों की भरमार होती है और चुनौतियां भी असामान्य होती है। इतनी आपदाओं के बीच ही, सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए हैं, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने, उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ है, संकल्प से प्रेरित है और सामर्थ्य पर अतुट श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं? देश क्या कर सकता है? ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। मैं आज मातृभूमि पर न्योछावर उन सभी वीर जवानों को लाल किले की प्राचीर से आदरपूर्वक नमन करता हूं। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है। आज दुनिया पर का भारत पर विश्वास और मजबूत हुआ है। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य के रूप में 192 में से 192 में से 184 देशों का भारत को समर्थन मिलना
ये हमारे हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व दिलाता है। विश्व में हमने कैसी अपनी पहुंच बनाई है उसका यह उदाहरण है। और यह तभी संभव होता है जब भारत खुद मजबूत हो, भारत सशक्त हो, भारत सुरक्षित हो। इसी सोच के साथ आज अनेक मोर्चों पर काम किया जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पड़ोसी देशों के साथ, चाहे वो हमसे जमीन से जुड़े हो या समंदर से, अपने संबंधों का हम सुरक्षा, विकास और विश्वास की साझेदारी के साथ जोड़ रहे हैं। भारत का लगातार प्रयास है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ हम अपने सदियों पुराने सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक रिश्तों को और गहराई दें। दक्षिण एशिया में दुनिया की एक चौथाई जनसंख्या रहती है। हम सहयोग और सहभागिता से इतनी बड़ी जनसंख्या के विकास और समृद्धि की अनगिनत संभावनाएं पैदा कर सकते हैं। इस क्षेत्र के देशों के सभी नेताओं की इस विशाल जनसमूह के विकास और प्रगति के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक अहम जिम्मेदारी है। उसे निभाने के लिए दक्षिण एशिया के इन सभी क्षेत्र के सभी लोगों को, राजनेताओं को, शासकों को, बुद्धिजीवियों को भी मैं आह्वान करता हूं, इस पूरे क्षेत्र में जितनी शांति होगी, जितना सौहार्द होगा, उतनी ही ये मानवता के काम आएगी, मानवता के हित में होगा। पूरी दुनिया का हित इसमें समाहित है। आज पड़ोसी सिर्फ वो ही नहीं है जिनसे हमारी भौगोलिक सीमाएं मिलती हैं, बल्कि वे भी हैं जिनसे हमारे दिल मिलते हैं। जहां रिश्तों में समरसता होती है, मेलजोल रहता है। मुझे खुशी है कि बीते कुछ समय में भारत ने एक्सटेंडेड नेबरहुड के सभी देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत किया है। पश्चिम एशिया के देशों से हमारे राजनीतिक, आर्थिक और मानवीय संबंधों की प्रगति में कई गुना तेजी आई है। विश्वास अनेक गुना बढ़ गया है। इन देशों के साथ हमारे आर्थिक संबंध, खासकर ऊर्जा क्षेत्र में भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे कई देशों में, इन सभी देशों में, ज्यादातर देशों में बहुत बड़ी संख्या में हमारे भारतीय भाई बहन काम कर रहे हैं। जिस प्रकार इन देशों ने कोरोना के संकट के समय भारतीयों की मदद की, भारत सरकार के अनुरोध का सम्मान किया, उसके लिए भारत उन सभी देशों का आभारी है और मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं। इस प्रकार हमारे पूर्व के आसियान देश, जो हमारे मैरिटाइम पड़ोसी भी है, वो भी हमारे लिए बहुत विशेष महत्व रखते हैं।
इनके साथ भारत का हजारों वर्ष पुराना धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध है। बौद्ध धर्म की परंपराएं हमें उनसे जोड़ती है। आज भारत इन देशों के साथ सिर्फ सुरक्षा क्षेत्र में नहीं बल्कि समुद्री संपदा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के जितने प्रयास शांति और सौहार्द के लिए हैं, उतनी ही प्रतिबद्धता अपनी सुरक्षा और अपनी सेनाओं को सशक्त करने के लिए भी है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। हाल ही में 100 से ज्यादा सैन्य उपकरणों के आयात पर हमने रोक लगा दी है। मिसाइलों से लेकर के हल्के युद्धक हेलीकॉप्टरों तक, असॉल्ट राइफल से लेकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तक, सभी मेक इन इंडिया हो गए। अपनी तेजी और अपनी ताकत दिखाने के लिए आधुनिक जरूरतों के हिसाब से तैयार हो रहा है। देश की सुरक्षा में हमारे बॉर्डर और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी भूमिका है। आज हिमालय की चोटियां हो या हिंद महासागर के द्वीप, हर दिशा में कनेक्टिविटी के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक बड़े पैमाने पर हमारे देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नई सड़कें तैयार की गई हैं। देश में, मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा इतना बड़ा समुद्र तट है, लेकिन साथ साथ हमारे पास 1300 से ज्यादा आइलैंड्स हैं। कुछ चुनिंदा आइलैंड के महत्व को देखते हुए तेजी से विकसित करने पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा, पिछले सप्ताह 5 दिन पहले अंडमान निकोबार में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ। अंडमान निकोबार को भी चेन्नई और दिल्ली जैसी इंटरनेट सुविधा अब उपलब्ध होगी। अब हम आगे लक्षद्वीप को भी इसी तरह जोड़ने के लिए काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। अगले 1000 दिन में लक्षद्वीप को भी तेज इंटरनेट की सुविधा से जोड़ने का हमने लक्ष्य रखा है। बॉर्डर और कोस्टल एरिया के युवाओं के विकास, उसको भी सुरक्षा को केंद्र में रखते हुए विकास के मॉडल की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें एक बड़ा अभियान हम शुरू कर रहे हैं। हमारे जो बॉर्डर इलाके हैं, हमारे जो कोस्टल इलाके हैं, वहां के करीब 173 डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी न किसी देश की सीमा या समुद्री तट से जुड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में एनसीसी का विस्तार उन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों के लिए किया जाएगा। बॉर्डर एरिया के कैडेट्स को हम करीब करीब 1,00,000 नए एनसीसी के कैडेट तैयार करेंगे और उसमें 1/3 हमारी बेटियां हो, ये भी प्रयास रहेगा। बॉर्डर एरिया के कैडेट्स को सेना प्रशिक्षित करेगी। कोस्टल एरिया के जो कैडेट्स हैं उनको नेवी के लोग प्रशिक्षित करेंगे और जहां एयरबेस है वहां के कैडेट को एयरफोर्स की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी। बॉर्डर और कोस्टल एरिया को आपदाओं से निपटने के लिए एक
ट्रेन्ड मैन पावर मिलेगा, युवाओं को आर्म फोर्सेस में कैरियर बनाने के लिए जरूरी स्किल भी मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले वर्ष लाल किले से मैंने कहा था, बीते 5 साल आवश्यकताओं की पूर्ति और अगले 5 साल आकांक्षाओं की पूर्ति के हैं। बीते 1 साल में ही देश ने बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों के पड़ाव को पार कर लिया है। गांधी 150 पर भारत ने गांवों को खुद को खुले में शौच से मुक्त किया है। आस्था की वजह से प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून, दलितों, पिछड़ों, ओबीसी के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए आरक्षण के अधिकार को बढ़ाने की बात हो, असम और त्रिपुरा में ऐतिहासिक शांति समझौता हो, फौज की सामूहिक शक्ति को और प्रभावी बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हो, करतारपुर साहब कॉरिडोर का रिकॉर्ड समय में निर्माण हो, देश ने इतिहास बनाया, इतिहास बदले देखा, असाधारण काम करके दिखाया। 10 दिन पूर्व अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। राम जन्मभूमि के सदियों पुराने विषय का शांतिपूर्ण समाधान हो चुका है। देश के लोगों ने जिस संयम के साथ और समझदारी के साथ आचरण किया है, व्यवहार किया है, यह अभूतपूर्व है और भविष्य के लिए हमारे लिए प्रेरणा का कारण है। शांति, एकता और सद्भावना, यही तो आत्मनिर्भर भारत की ताकत बनने वाली है। यही मेलजोल, यही सद्भाव भारत के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। इसी सद्भाव के साथ हमें आगे बढ़ना है। विकास में के इस महायज्ञ में हर हिंदुस्तानी को अपनी कुछ न कुछ आहुति देनी है। इस दशक में भारत नई नीति और नई रीति के साथ ही आगे बढ़ेगा। जब साधारण से काम नहीं चलेगा, अब होती है चलती का वक्त चला गया, हमें दुनिया में किसी से कम नहीं, हम सबसे ऊपर रहने का प्रयास करेंगे। और इसलिए हम सर्वश्रेष्ठ उत्पादन, सर्वश्रेष्ठ ह्यूमन रिसोर्सेज, सर्वश्रेष्ठ गवर्नेंस, हर चीज में सर्वश्रेष्ठ के लक्ष्य को लेकर के आजादी के 75 साल के लिए हमें आगे बढ़ना है। हमारी पॉलिसीज, हमारे प्रोसेस, हमारे प्रोडक्ट्स, सब कुछ उत्तम से उत्तम हो, बेस्ट हो, तभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार होगी। आज हमें फिर से संकल्प लेने की जरूरत है। ये संकल्प आजादी के लिए बलिदान देने वालों के सपनों को पूरा करने का हो। ये संकल्प 130 करोड़ देशवासियों के लिए हो। ये संकल्प हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हो, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हो। ये संकल्प आत्मनिर्भर भारत के लिए हो। हमें शपथ लेनी होगी, हमें प्रतिज्ञा करनी होगी, हम आयात को कम से कम करने की दिशा में योगदान करेंगे, हम अपने लघु उद्योगों को सशक्त करेंगे, हम सब लोकल के लिए वोकल बनेंगे और हम ज्यादा इनोवेट करेंगे, हम एम्पावर करेंगे अपने युवाओं को, महिलाओं को, आदिवासियों को, दिव्यांगों को, दलितों को, गरीबों को, गांव को, पिछड़ों को, हर किसी को। आज भारत ने असाधारण गति से अब संभव को संभव किया है। इसी इच्छा शक्ति, इसी लगन, इसी जज्बे के साथ प्रत्येक भारतीय को आगे बढ़ना है। वर्ष 2022 हमारी आजादी के 75 वर्ष का पर्व अब बस आ ही गया है। हम एक कदम दूर है, हमें दिन रात एक कर देना है।
21वीं सदी का ये तीसरा दशक हमारे सपनों को पूरा करने का दशक होना चाहिए। कोरोना बड़ी विपत्ति है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि आत्मनिर्भर भारत की विजय यात्रा को वो रोक पाए। मैं देख सकता हूं एक नए प्रभात की लालिमा, एक नए आत्मविश्वास का उदय, एक नए आत्मनिर्भर भारत का शंखनाद। एक बार फिर आप सभी को स्वाधीनता दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। आइए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। कोटि